देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ लोग बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग जागरूकता अभियान चलाते नजर आ रहे हैं। जनपद संभल में ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में राहगीरों को मास्क वितरित करते हुए कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। ट्रस्ट के संस्थापक नाजिस नसीर खान ने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं संस्था के सदस्य मोहम्मद जुबैर ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि यदि आपको खुद के अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई दें तो आप बिना देर किए चिकित्सक से संपर्क करें, जिससे आपको समय से उपचार मिल सके। इस अवसर पर नाजिस नशीर, रिजवान खान, जैन पठान, नाजिस मियां आदि लोग उपस्थित रहे। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। आज मैं क्या चलिए ट्रस्ट के तत्वाधान में ये ट्रस्ट के पदाधिकारी पुलिसों की सहायता पर जमा हुए और लोगों को राहगीरों को मास्क बांटे और लोगों को इस बारे में कोरोना के बारे में जागरूक किया और बताया कि बहुत खतरनाक बीमारी है। हमें हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क हमारी अपनी सेफ्टी है। हाथ धोते रहना चाहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए। यह अभियान हमारा शुरू हुआ है आज और ये हम आगे भी जारी रख सकें और लॉकडाउन की जो भी गाइडलाइन है उस पर पूरी तरह से हमें पालन करना है। इसीलिए हम लोगों को आज जागरूक कर रहे हैं।